मजलिस वालों ने भी मुफ्ती साहब के ऊपर तनकीद की और कहीं ना कहीं से गठबंधन जो बचा हुआ था ये भी खत्म हो गया, तो आप सियासी मुखालिफ होंगे तो आप इसको क्या कैसे दे रहे हैं? मैं समझता हूँ उनका आपसी मामला है, उन्होंने आपस में बैठ के हल करना चाहिए और मुझसे ज़्यादा शहर को समझ रहा है कि ये लड़ाई रास्ते पे क्यों आ रही है। तो बड़ी बड़ी ताकतें उनके पास से चली जा रही है, इजाज़ बेग गए, मुस्तकीम गए, यूसुफ इलियास गए, अब ये भी लोग भी चले गए। ये असल में इलेक्शन के बाद जब आप देखोगे ना फिर ये एक मंच पे आएंगे, ये सिर्फ पाखंड है, ये फिर एक मंच पे आएंगे, फिर मेरे सामने खड़े रहेंगे, मुझे सब समझता है। और ये शहर की आवाम को सिर्फ गुमराह करने की सिर्फ ये प्लानिंग उनकी अपनी। इलेक्शन में आपने उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की थी और अचानक ऐसा हुआ कि आपने सोबत आई का की हिमायत कर दी, तो क्या उम्मीदवारी आप नहीं कर सकते? नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि मैं चाह रहा था कि शहर के अलग अलग पार्टियों के लीडरान मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन हो सकता है उनकी पार्टियों की मजबूरी हो सकती हो, मेरे साथ नहीं खड़े रहे। और इसके लिए मैंने देखा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो हो सकता है कि दूसरी पार्टियों को उसका फ़ायदा ना हो जाए, इसके लिए समझदारी से ये फैसला किया गया, सोच समझ के मैंने अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया। साहब, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 153 मुस्लिम कॉरपोरेटर है, 2 मुस्लिम आमदार है, 36 ग्राम सेवक है और 3 सरपंच है, ये पूरे 19 लाख वोटर्स में इतनी बड़ी तादाद में होकर भी अगर हम अपना नुमाइंदा नहीं दे पाए और किसी को भी हम मतलब ये वोट देना हमारी मजबूरी है, इसको मर्जी बनना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम स्वाभिमान के साथ वोट नहीं दे पाएंगे? मैं समझता हूँ कि आज वो बहस ना की जाए तो बेहतर है। मुल्क के हालात, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, हर समाज उससे नाराज़ हो चुका है। लड़ाओ और राज करो की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करना है, संविधान आज खतरे में है उसको बचाना है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए आज हम लोगों को भाजपा को हटाना है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आज बहस नहीं की जाए, आज भाजपा हटाओ ये बात होना चाहिए। और ठीक है, हर समाज हर धर्म का वोट परसेंटेज के हिसाब से उम्मीदवारी दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिली इसका अफसोस ज़रूर है, उसकी शिकायत ज़रूर है, लेकिन आइंदा कोई मौके से हम लोग इस बारे में बातचीत पार्टियों से करना पड़ेगा। और ये डराने वाली जो राजनीति है, हमारे ही अपने बीच के कुछ लोग ये उम्मीदवारी मत करो डराते हैं, तुम मत करो गिर जाओगे, तुम मत करो, तो ये सब भी बंद होना चाहिए, है ना। और आने वाले सेकुलर पार्टियाँ जो अपने आप को बोलती है, तो उन लोगों ने भी बैठ कर संजीदगी से अब सोचना चाहिए कि वोट परसेंटेज के हिसाब से उम्मीदवारी मिलना चाहिए। बेशुमार लोग आपके बोलने पर आज अलायंस को वोट देने के लिए तैयार है, तो शहरी मसाइल को लेकर आपसे क्या मुतालबात उनसे किया और उनकी जानिब से आप क्या यकीन दानी? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि हमने जो हिमायत की डॉक्टर शोभा बच्चाओ की, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की, एक अलायंस में है, मैं शरद पवार साहब की पार्टी में हूँ, अलायंस में हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी कि हिमायत कर देना चाहिए बिना कोई वादे के। मैंने बिना कोई वादे के शहर का विकास, शहर का डेवलप का कोई वादा मैंने नहीं करते हुए उम्मीदवारी उनका हिमायत का ऐलान कर दिया हूँ। और मुझे मेरे अपने आप पर और मेरी पार्टी के वर्करों पर और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है हमारे अपने आप के ऊपर कि हम बिना खासदार बिना मंत्री के भी शहर में विकास और डेवलप कर सकते, वो मसाइल वो जो हल नहीं कर सकते वो हम कर सकते, इसके लिए कोई वादा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने किया भी नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत कम फीसद रहता है और इस साल गर्मी भी कुछ बहुत ज़्यादा है, तो वोट का फीसद तनासुब ज़्यादा रहे उसके लिए कोई? मैं ऐसा मानता हूँ कि उम्मीदवार ने जारी सोचना चाहिए, हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर वोटर की जिम्मेदारी है वोट का फीसद बढ़े, हमारी भी अपनी कोशिश जारी है, लेकिन उम्मीदवार ने आज भी वक्त है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीदवार और इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार को मालेगांव में बुलाना चाहिए, सभी सियासी पार्टी इंडिया अलायंस के लोगों को लेकर बैठना चाहिए और उसके ऊपर एक लायमल तैयार करना चाहिए। और हमारे आज जो उम्मीदवार है वो कोसों इससे दूर है, पता नहीं ना जाने क्यों, ये सवाल मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के नहीं, हज़ारों लोगों के मन के अंदर ये सवाल है, इसका जवाब कैंडिडेट ने देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत जाति मत है। डॉक्टर शोभा दाई बच्छा जो धुए मालेगांव पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार हैं,
ऐसा नहीं लगता कि आपको उनकी गलतियां उन्हें गिरा सकती है? अब उम्मीदवार को अच्छा बुरा समझना चाहिए और हम तो कर्तव्य निभाएंगे, वोट देंगे, वोट दिलाएंगे, फीसद बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे हम। लेकिन मैंने कहा ना कि आज भी वक्त है, आज 7 तारीख है, 20 को मतदान है, काफ़ी वक्त है, 12 दिन बहुत काफ़ी होते हैं, तो मैं समझता हूँ वक्त है, उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ना चाहिए। साहब आप अलायंस की बात कर रहे हैं और यहाँ तो नक्शे से श्रीलंका ही गिर गया, तो आप अपोजिट है, आप अकेले रहते हैं या जमा होते हैं, भागते हैं, जमा होते हैं, तनी तनाव मुकाबला, तो सियासी एतबार से आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमने हिमायत किया, जलसा लिया, प्रचार शुरू कर दिया। अब आपका ही सवाल था कि 2 MLA मुसलमान, इतने कॉरपोरेटर मुसलमान हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जैसे बताया जाता है वैसा बताया जा रहा है, सिंहखेड़ा से यहाँ से कितने। लेकिन मेरा सवाल ये है, हमसे ये सवाल क्यों किया जा रहा है? अब कितने दिन और बचे, अब किसकी हिमायत करने वाले हो? शहर जानना चाह रहा है MLA साहब से भी, शहर जानना चाह रहा है तुम हिमायत कब करोगे, किसकी हिमायत, या साइलेंस रहोगे या तटस्थ रहोगे? ये मैं समझता हूँ MLA साहब ने इसका जवाब शहर के आवाम को देना चाहिए।